अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक हमारे पास टेस्ट है जिसको हम लेड सल्फाइड टेस्ट करते हैं। ये सल्फर कंटेनिंग माइलेसर सिस्टीन के लिए बात कर रहा है, यानी कि ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर सिस्टीन लाइब्रेरी होता है। हालांकि दो सल्फर कंटेनिंग माइलेसर है, मैथिनिन और सिस्टीन, लेकिन ये सिस्टीन के लिए बात कर रहा है क्योंकि इसका सल्फाइडल ग्रुप एक्सपोज होता है, लेकिन मैथिनिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो इसलिए ये सिर्फ सिस्टीन के लिए पालते हुआ है। ये प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। ये जो आपका सिस्टीन लाइब्रेरी है, ये डाइसल्फाइड लिंकेज में आके प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है। इसके अलावा आपको इसमें जो सॉल्यूशन चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड 40% चाहिए, 2% लेड एसीटेट का सॉल्यूशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पाइपेट, वेसकर, बीकर, ग्रेजुएटर, सिलेंडर चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें आपने जो नीटेड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक तो कंट्रोलर है जिसमें आपने डिस्टिल वाटर डालना है, दूसरी के अंदर आपने 2 ml प्रोटीन सॉल्यूशन डाल देना है, एग वाइट मोस्टली आप सॉल्यूशन डालते हैं इसके अंदर, फिर आपने 2 ml 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है ताकि सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाए। फिर बॉयल करना है 2 मिनट के लिए। जब बॉयल हो जाए 2 मिनट के अंदर तो फिर उसके अंदर लेड एसीटेट डाल देना। तो अगर ब्राउन और ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाए तो ये सिस्टीन को इंडिकेट करते हैं, और अगर ये नहीं बन रहे जैसे कि कंट्रोल में नहीं बनते तो वो नहीं होते। अल्कलाइन मीडिया में क्या होता है, ये जो सिस्टीन है वो सोडियम सल्फाइड के अंदर चेंज हो जाता है। सोडियम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो इस सल्फर के साथ मिलकर सोडियम सल्फाइड बनाता है, फिर ये सोडियम सल्फाइड लेड के साथ मिलकर ब्लैक पीपीटी ब्राउन या ब्लैक पीपीटी जाता है और ये प्रेसिपिटेट जाता है। तो मैथिनिन के अंदर क्योंकि वो एक्सपोज्ड नहीं होता सल्फाइडल ग्रुप तो ये नेगेटिव आता है। केसीन जिलेटिन व्हिच कंटेन मैथिनिन बट द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सिस्टीन, देयरफॉर केसीन और जिलेटिन ये नेगेटिव टेस्ट शो करता है। अब एक वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसने पहले वो क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोटीन सॉल्यूशन के अंदर, फिर उसको बॉयल करेंगे। ये आपने उसको बॉयल कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद फिर उसमें लेड एसीटेट डाल देगी तो वो लेड सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। ये अभी बन रहा है आपके पास सोडियम सल्फाइड, ये हीट करने के ऊपर क्या बनता है सोडियम सल्फाइड। 2 मिनट के लिए हीट करना है आपने, उसके बाद आपने इसके अंदर ये देखिए अब उसके अंदर वो डालने लग गया लेड सल्फेट, ठीक है। तो ये ब्लैक पीपीटी बन जाएगी। लेड सल्फेट डालना है अभी इसमें, तो ये देखिए ब्लैक सल्फेट डालने के बाद ये नीचे ब्लैक पीपीटी, ठीक है। तो जब ब्लैक सल्फेट डाल देंगे तो ये ब्लैक पीपीटी आ जाएगी, ये देखो ये ब्लैक कलर आपको मिल रहा है। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है फिर ब्लैक सल्फेट डाल, ठीक है। तो आपकी बात यह ब्लैक पीपीटी ब्यूटू द पार्टिस ऑफ ब्लैक सल्फाइड। That's all. अगर आपको ये वीडियो पसंद